मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप गेम्स में सीपीयू टेम्परेचर्स और सीपीयू क्लॉक स्पीड और वो जो मॉनिटरिंग मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ वो कैसे दिखाता हूँ। कुछ वीडियोस में मेरी अलग तरीके से मॉनिटरिंग आती है और कुछ वीडियोस में अलग तरीके से आती है, तो वो दोनों सॉफ्टवेयर्स मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगा। तो ये दो सॉफ्टवेयर्स के नाम है MSI Afterburner, सबने सुना भी होगा, काफी लोगों को पता भी है कैसे सेटअप करना है, और दूसरा है NZXT Cam, ये कह सकते हैं। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर्स मैं यूज करने वाला हूँ, और इस वीडियो में मैं बिगिनर्स के लिए NZXT Cam रेफर करूंगा, और जो मतलब क्रिएटर्स हैं मेरी तरह या यूट्यूबर्स हैं या फिर जिनको ज्यादा ही डीप नॉलेज चाहिए कि कितनी क्लॉक स्पीड आ रही है, क्या है क्या नहीं है, कि TDP वगैरह या सब चीजें देखनी है, तो वो लोग MSI Afterburner चूज कर सकते हैं। और MSI Afterburner में थोड़ा सा एक इशू भी है कि Ryzen CPUs में टेम्परेचर शो नहीं करता, CPU टेम्परेचर जो होता है, तो वो भी इस वीडियो में कवर अप करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, चलते पीसी की स्क्रीन पे, पहले हम NZXT Cam का ट्यूटोरियल कवर अप करेंगे, उसके बाद MSI Afterburner का। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज आगे हम अपनी पीसी की स्क्रीन पे, सबसे पहले NZXT Cam वाला प्रोसीजर समझा देता हूँ, बहुत ईजी है और वो इंटेल और राइजन दोनों में चल जाता है, कोई फालतू सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ ये वाली वेबसाइट खुलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ्री डाउनलोड लिखा है, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा डाउनलोड। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना, छोटी सी डाउनलोडिंग होगी, उसके बाद डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से आइकन आ जाएगा, आप उसको खोलोगे, ये कहेगा साइन अप या साइन इन, हमें कुछ नहीं करना, हमें कंटिन्यू इन गेस्ट मोड कर देना, क्योंकि हमारे को सिर्फ यहाँ पे इसको मॉनिटरिंग के लिए यूज करना है, फालतू कोई काम है नहीं हमारे को। तो ये आ जाएगी आपके सामने सारी की सारी आपके सीपीयू और जीपीयू की मॉनिटरिंग जितनी भी है। इसमें आपको सबसे नीचे जाना है सेटिंग्स पे, नीचे सेटिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे एक दिख रहा होगा ओवरले, ओवरले पे क्लिक करोगे तो आपको पैनल्स नजर आ रहे होंगे पर FPS RAM CPU GPU ये जो भी टिक हो रखे वो कर लो, एक नेटवर्क और सिस्टम टाइम है, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है और करना भी मत। फिर नीचे आ रहा है आपका साइज, स्मॉल मीडियम लार्ज, कितने साइज की मॉनिटरिंग आपकी स्क्रीन पे आनी चाहिए, स्मॉल आनी चाहिए, मीडियम आनी चाहिए, लार्ज आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लार्ज कर देते हैं क्योंकि ज्यादा नजर आएगा। और ओपेसिटी कैसे रखनी है, मतलब कितना ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि बैकग्राउंड का कितना दिखे, तो ये 50% पे रहने तो बिल्कुल ठीक रहता। तो ये हो गया आपकी सेटिंग, यहाँ पे इसको कर दो मिनिमाइज, इसको क्विट नहीं करना। और अभी हम यहाँ पे कोई गेम चलाते हैं, तो यहाँ हमने GTA 5 चला लिया है, और अब आपकी गेम चलने के बाद आपको क्या करना है, CTRL प्लस O क्लिक करना है, CTRL प्लस O जैसे इसको कमांड दोगे तो ऊपर आप देख सकते हो आपकी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, और इसका साइज और इंक्रीज करना है तो आप इसको लार्ज भी कर सकते हो, मीडियम भी कर सकते हो, स्मॉल भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो FPS आ रहे हैं, CPU परसेंटेज, CPU टेम्परेचर, GPU परसेंटेज, GPU टेम्परेचर और RAM। ये हो गया बेसिक के लिए, बेसिक यूजर्स के लिए जो नया लैपटॉप लेते हैं और उनको चेक करनी है छोटी मोटी मॉनिटरिंग। तो ये राइजन में भी काम करेगा, इंटेल में भी काम करेगा, कोई एक्स्ट्रा सेटिंग करने की जरूरत है नहीं। तो अब बात कर लेते हैं MSI Afterburner की। तो MSI Afterburner की वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐसे खुलेगी कुछ वेबसाइट, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड Afterburner, इस पे आप क्लिक करोगे और ये आपकी डाउनलोडिंग हो जाएगी शुरू। तो ये हो गया हमारा डाउनलोड, अब इसको करते हैं इंस्टॉल। मैं एक्चुअली अपने पीसी से ऑलरेडी अनइंस्टॉल कर चुका हूँ ताकि मैं शुरू से दिखा सकूँ कैसे इंस्टॉल करना और कैसे इसका स्क्रैच से सेटअप करना। एक यहाँ पे रिवा ट्यूनर स्टैटिस्टिक्स सर्वर है, इसको भी चेक रखना है, ऐसा ना हो अब इसको अनचेक कर दो, ये हमारे को इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है साइज के लिए, जब हम साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने मॉनिटरिंग का। ये पूरा इंस्टॉल होने के बाद एक और सेटअप चल जाएगा, तो ये रिवा ट्यूनर स्टैटिस्टिक्स का सेटअप है वो भी चल जाएगा, वो भी हमारे को जरूरी है MSI Afterburner के साथ। तो ये हमारे हो गए इंस्टॉल, हमारे को MSI Afterburner चलाना है, तो इस तरीके से आएगा आपके सामने, आपको कुछ नहीं छेड़ना, आपको यहाँ पे सेटिंग्स आइकन दिखाई दे रहा होगा, ये देख रहे हो आप सेटिंग्स आइकन जहाँ मेरा माउस कर्सर है, इस पे क्लिक करना है और ये आपकी स्क्रीन आ जाएगी। आपको यहाँ पे अपना GPU डिफाइन कर लेना सबसे पहले, यहाँ पे देखो GPU 1 और GPU 2 आ रहा है, किसी किसी में GPU 1 ऑनबोर्ड वाला दिखाता है और किसी किसी में GPU 1 एक्सटर्नल वाला दिखाता है, जैसे मेरा GPU 1 पे 1660 Ti दिखा रहा है आपके सामने, तो हम यहाँ GPU 1 सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 1660 Ti की मॉनिटरिंग करनी है मेरे को। और फिर आप सेकंड पे जाओगे मॉनिटरिंग, तो यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी बहुत सारे मॉनिटरिंग चीजों की कि CPU यूसेज, CPU टेम्परेचर, क्लॉक स्पीड, GPU, ये वो, ये आप सामने अपने ये देख सकते हो पूरी की पूरी। तो सबसे पहले हमारे को GPU टेम्परेचर देखना है, GPU यानी आपका जो जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है उसका टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपको चेक कर देना है, ये देखो यहाँ पे चेक है, वैसे ऑलरेडी होगा, नहीं होगा तो ये ग्रे कलर का चेक होना चाहिए, यहाँ पे नीचे लिखा रहा है शो इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, तो आपको अगर इसको अनचेक कर दोगे तो यहाँ पे इन OSD चला जाता है, देखो यहाँ पे इन OSD चला गया, और इसको कर देते हो तो इन OSD कर दिया, तो जिसपे भी इन OSD लिखा होगा वही आपके इन गेम शो करेगा कि आपने ये चीजें देखनी है। अब ये जो आपका GPU 1 टेम्परेचर है इसका अगर आपको नाम चेंज करना हो तो यहाँ पे नीचे देख रहे हो ओवरराइड ग्रुप नेम, यहाँ पे नीचे ओवरराइड ग्रुप नेम दिख रहा है, यहाँ पे GPU 1 लिखा है, तो आप इसको क्लिक करोगे और GPU 1 को काट के आप लिख दोगे, जैसे मेरा GTX 1660 Ti है तो 1660 Ti लिख देते हैं। ये उनके लिए होगा जिनको मॉनिटरिंग शो करनी होती है, कोई यूट्यूबर्स होते हैं या कुछ देखना होता है अपने लैपटॉप में तो अच्छा लगता है दिखने में। फिर आता है GPU यूसेज,
अब जीपीयू यूसेज वही होती है आपकी, परसेंटेज की कितना जीपीयू आपका यूज हो रहा है, या आप इस पे क्लिक करोगे और शो इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कर दोगे। उसके नीचे जितने भी ऑप्शन है इसको आप कर दो स्किप। फिर आपके यहाँ पे सीपीयू टेम्परेचर शो करेगा, तो यहाँ पे सीपीयू टेम्परेचर बहुत सारे 11 12 तक शो कर रहा है। हमारे को ये जो नंबर्स वाले सीपीयू टेम्परेचर है इनको टच नहीं करना, एक अलग से सिंगल सीपीयू टेम्परेचर लिखा होगा, आप ये देख सकते हो सिंगल सीपीयू टेम्परेचर लिखा, सिर्फ सीपीयू टेम्परेचर। तो हमको इसको क्लिक करना है और यहाँ पे टिक होना चाहिए जैसे हमारे को बताया, और शो इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले करना, और इसका नाम नीचे सीपीयू करके आएगा। आप इसको ओवरराइड ग्राफ नेम करके सीपीयू टेम्परेचर नाम दे सकते हो या सीपीयू टेम्प लिख सकते हो, तो उससे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ सीपीयू टेम्परेचर आपका ये है अगर आपको किसी को दिखाना है। फिर आपके यहाँ पे यूसेज आएगी, यहाँ पे भी 10-12 तरीके की यूसेज होंगे, आपको उस पर क्लिक नहीं करना। यहाँ पे सीपीयू यूसेज सोलो लिखा होगा, सिर्फ सीपीयू यूसेज, इस पर क्लिक करना है और शो इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने सीपीयू का नाम चेंज करके i7-9750H कर दिया, वरना यहाँ पे कुछ और नाम आएगा, वो आपको फिर मॉनिटरिंग में अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर आपकी सीपीयू की क्लॉक स्पीड, यहाँ पे बहुत सारी क्लॉक्स आएंगी 11-12 करके, बट आप यहाँ पे सोलो सीपीयू क्लॉक लिखा होगा सिर्फ, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे भी शो इन ऑन स्क्रीन कर देना। उसके बाद आपका है फ्रेम रेट, जो आपके FPS होते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ओवरराइड ग्राफ नेम करके उसको FPS कर देना, वरना वो कभी D3 करके दिखाता है या कोई वल्कन करके दिखाता है तो वो अच्छा नहीं लगता दिखने में, तो आप FPS लिख सकते हो। और यहाँ पे फ्रेम रेट मिनिमम, फ्रेम रेट एवरेज, अगर ये करना है फ्रेम रेट मैक्सिमम वगैरह ये भी आप कर सकते हो इंक्लूड। बाकी मैं तो बिलीव करता हूँ कि एक ही FPS आना चाहिए, फालतू चक्कर में पड़ना ही नहीं। तो ये तो था इंटेल के लिए, यहाँ पे सब कुछ आ गया है और हमने यहाँ पे कर दिया अप्लाई, ठीक है, और इसको हम काट देंगे। और जो MSI आफ्टर बर्नर है इसको नहीं काटना, इसको मिनिमाइज कर। तो अब चला के देखते हैं गेम। तो ये हमारी गेम चल गई और आप ऊपर कोने में देख सकते हो जो जो मैंने सेट किया था वो वैसे वैसे दिखाई दे रहा है, और साइज काफी छोटा है। तो साइज कैसे बड़ा करना है, तो उसका साइज बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में जो एप्लीकेशन शो करती है नीचे टास्क बार में, यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है रिवेट्यूनर स्टैटिस्टिक्स, जो ये ब्लू से कलर का आइकन है, इस पर डबल क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की विंडो खुल जाएगी, और यहाँ पे ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जूम नजर आ रहा होगा यहाँ पे। और कुछ मत छेड़ना, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है छेड़ने की। ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जूम को आप साइज इंक्रीज कर सकते हो, जैसे मैंने ये फुल पे कर दिया इसको, ठीक है, ये फुल पे कर दिया इसका साइज, तो आप ये ऊपर देख सकते हो बहुत ही बड़े साइज में हो गया और देखने में भी इजी है। तो साइज अपने हिसाब से आप वेरी कर सकते हो उसका। तो आपको दिखाई दे रहा होगा GTX 1660 Ti, फिर GPU यूसेज, जो GPU 1 है इसको चेंज करके GPU 1 को ओवरराइड ग्राफ नेम करके GPU यूसेज नाम दे सकते हो आप इसको। फिर CPU टेम्परेचर आ रहा है आपका, फिर आपका प्रोसेसर का नाम आ रहा है, जहाँ पे आप प्रोसेसर CPU यूसेज नाम भी दे सकते हो। मैंने अपना प्रोसेसर का नाम दे दिया क्योंकि कभी मेरे को मॉनिटरिंग शो करनी होती है अपनी कुछ वीडियोस में, तो उसके लिए सही रहता है। फिर आपके आता है नीचे CPU लिखा है, जहाँ पे ये CPU क्लॉक स्पीड आपकी, इसको CPU क्लॉक का नाम दे सकते हो आप, और जो FPS है वो FPS आ रहे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वो आप अपने हिसाब से एड ऑन करके देख लो, जो काम की लगे वो रखो, जो नहीं काम की लगती हो मत रखो। बाकी ये जो 6 कैटेगरी हैं ये सबसे टॉप की हैं, इसके अलावा कुछ और मॉनिटरिंग में हम यूज ही नहीं करते। तो ये तो हो गया हमारे इंटेल वाले लैपटॉप का। अब राइजन वाले का बता देता हूँ कि राइजन में बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा जो मैंने MSI आफ्टर बर्नर बताया, बस उसके अंदर आपको CPU टेम्परेचर देखने के लिए नहीं मिलेगा, बाकी सब चीजें मिल जाएंगी। तो वो कैसे सेटअप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब अपने राइजन वाले लैपटॉप पे आ गया हूँ, और अगर इसके अंदर आपको NGXT कैम चलाना है तो सेम प्रोसीजर है जो मैंने अभी आपको बताया, सीधा MSI आफ्टर बर्नर पे चलते हैं। तो ये हमने खोल लिया MSI आफ्टर बर्नर। अब इसमें भी आपको सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे इसका जो GPU है उसके अंदर, जो इंटेल वाला लैपटॉप था उसमें GPU 1 पे आपका जो NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड दिखा रहा था, इसके अंदर GPU 2 पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना GPU 2, और तो यहाँ पे आप देख लेना कि GPU 2 की मॉनिटरिंग करनी है आपको। तो यहाँ पे GTX 1650 Ti वाला है, तो 1650 Ti मैंने सेलेक्ट कर लिया, और हम मॉनिटरिंग में जाते हैं, जैसे सेकंड टैब में मॉनिटरिंग। तो बाकी सारी चीजें आपको वैसी करनी है कि GPU 2 टेम्परेचर है नाम चेंज कर लेना, फिर GPU यूसेज है, CPU यूसेज है, CPU क्लॉक है, ये भी कर दिया हमने। उसके बाद आपका फ्रेम रेट हमने चेक कर दिया है, और यहीं तक आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे फ्रेम रेट 1% लो तक, उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, यानी कि CPU टेम्परेचर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो हमें कैसे एड ऑन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक ये वेबसाइट है हार्डवेयर इन्फो करके, HW Info करके, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो ऐसे वेबसाइट खुलेगी आपके सामने। तो यहाँ पे आपको 3 वर्जन दिखाई देंगे, इंस्टॉलर, पोर्टेबल और पोर्टेबल फॉर DOS। तो सेकंड नंबर पे जो पोर्टेबल वाला है हमारे को वो डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड लेटेस्ट बीटा करके लिखा है, इस पे आप क्लिक कर लो, या नॉर्मल वाला भी कर सकते हो, दोनों चलते हैं। तो वहाँ पे किसी भी एक लिंक पे क्लिक कर देना, और फिर कुछ ऐसे नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो फिर कुछ ऐसे नेक्स्ट पेज खुलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो HW इन्फो पोर्टेबल लिखा है यहाँ पे, ये देखो जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, आप इसको क्लिक करोगे तो ये हो जाएगी आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट। तो कुछ इस तरीके की फाइल आपके सामने आएगी, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसी 3 फाइल्स आ जाएंगी आपके सामने, और आपका 64-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेफिनेटली सबका 64-bit वाला ही होता है। तो HW Info 64 वाले पे डबल क्लिक करना है आपको। तो ये छोटी सी स्क्रीन आएगी आपके सामने, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, सेंसर्स ओनली, समरी ओनली। तो सेंसर्स ओनली पे टिक करना है और रन कर देना है। तो हमारे जो राइजन वाले सेंसर्स है वो ये डिटेक्ट कर लेगा सॉफ्टवेयर, मतलब इतना सा कहने का मतलब था। फिर कोई अपडेट मैसेज आएगा, अपडेट मत करना, इसको क्लोज कर देना। तो ये आ गया आपके सारे यहाँ पे मॉनिटरिंग। अब इस सॉफ्टवेयर का काम हो गया खत्म, इसको कर दो मिनिमाइज, इसको हमको अब कुछ नहीं करना। तो अब हमें खोलना है MSI आफ्टर बर्नर दोबारा से, और फिर दोबारा से सेटिंग्स में जाना है।
और मॉनिटरिंग में जाना है, और मॉनिटरिंग में यहाँ पे ऊपर देख सकते हो एक्टिव हार्डवेयर मॉनिटरिंग ग्राफ्स करके लिखा है, तो यहाँ पे आपको तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे HW Info आ रहा है, HW Info जो हमने सॉफ्टवेयर चलाया, इस पे आपका ग्रे कलर का चेक होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ग्रे कलर का चेक हो रहा है बगल में, और यहाँ पे नीचे क्लिक करना है सेटअप। यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करोगे तो ऐसी स्क्रीन आएगी आपके सामने। अब हमारे को यहाँ पे इन सेटिंग्स में कुछ नहीं करना, आपको नीचे ऐड का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐड का, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये सारी लिस्टिंग्स आ जाएंगी, क्योंकि HW Info जो हमने सॉफ्टवेयर चलाया उसके सारे जो सेंसर्स हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है, जो भी वो मतलब मॉनिटरिंग कर रहा है ना पीसी के बैकग्राउंड में, वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक सीपीयू सेक्शन आएगा, सीपीयू AMD Ryzen 5 4600H एनहांस्ड, मतलब ऐसे करके जो आपका सीपीयू होगा Ryzen का उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है सीपीयू कोर, ये सीपीयू कोर ही हमारे सीपीयू का असली टेम्परेचर है, तो इस पे ग्रे कलर का टिक कर देना है हमारे को, जैसे चेक कर देते हैं वो हो गया, और यहाँ पे कर देना ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीयू कोर आपका हो गया एड, और आप यहाँ पे कर देना ओके, और यहाँ पे भी कर दो ओके। तो अब जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे इसमें, तो जहां पे आपको फ्रेम रेट 0.1% लो तक ऑप्शंस नजर आ रहे थे, अब उसके बाद भी कुछ ऑप्शंस नजर आ गए आपको, आप नीचे देख सकते हो। अब बाकी सारे ऑप्शन का तो कोई काम नहीं है, जो हमने सीपीयू कोर वाला ऑप्शन करा था सिर्फ उसका काम है। तो यहाँ पे आपको सीपीयू कोर नजर आ रहा है, इसको शो इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कर दिया टिक करके, इन OSD लिखा आ गया, यानी कि ये भी हमारे को अब शो करेगा। तो सीपीयू कोर का नाम चेंज कर सकते हो ग्राफ नेम में जाके, नीचे मैंने इसको सीपीयू टेम्प कर दिया है, सीपीयू टेम्परेचर जो हमारा होगा, और फिर कर देना है अप्लाई और कर देना है ओके। बाकी सारी सेटिंग सेम है जो भी मैंने इंटेल में समझाई थी, सिर्फ सीपीयू टेम्परेचर को ऐड करने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा, ना तो आपको MSI Afterburner को क्लोज करना है, ना HW Info वाले सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है, सिर्फ मिनिमाइज करना है। और जब आप दोबारा से PC ऑन करोगे तो मॉनिटरिंग आपकी किसी भी गेम में शो नहीं करेगा, तो आपको MSI Afterburner खोल के मिनिमाइज कर देना है सिर्फ, और अगर आप Ryzen वाले CPU पे बैठे हो तो उसके बाद आपको HW Info खोल के भी मिनिमाइज कर देना, जहां पे आपने सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट किया था, सिर्फ खोल के मिनिमाइज करना, बार बार ये सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी आपको। तो आप गेम चला के देख लेते हैं कोई, तो ये हमने गेम ऑन किया, आप अपने सामने देख सकते हो सारी मॉनिटरिंग आपके सामने आ गई है, इंक्लूडिंग सीपीयू टेम्परेचर। तो जिनके पास भी Ryzen था उनको कंफ्यूजन थी सीपीयू टेम्परेचर कैसे लाएं, तो भाई ये रहा तुम्हारे सामने सीपीयू टेम्परेचर 5961 डिग्रीज दिखा रहा है। सो गाइज आई होप सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। भाई अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ मैं नहीं समझा पाया, तो भाई कमेंट में लिख देना, या Instagram पे DM भी कर सकते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, मैं आपका इशू सॉर्ट आउट करवा दूंगा। बाकी कोई चीज़ मिस हो गई हो वो भी बता देना, तो मैं देखता हूँ उसको इंक्लूड करने की नेक्स्ट किसी वीडियो में, या मैं क्लियर आउट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में ही। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक मार देना भाई वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पहली बार आया तो बेल आइकन पे ऑल बताइए, इतना क्या बताना पड़ेगा क्या। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया सी, तब तक के लिए बाय।